नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वालायम एक्चुअल में और किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से कब हमको पता चलता है कि हमारे बाल झड़ना शुरू हुआ है और कितना देर लेट हो चुका होता है कि हम जब हमको पता चलता है कि हमारे बाल झड़ना शुरू हुआ है, ये एक्चुअल हम बहुत लेट हो चुके होते हैं उस समय तक। ठीक है, किस स्टेज पर अगर हम क्योर कर ले तो हमारे बाल बच सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के बाल लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, और कुछ लोग पतले होते हैं, छोटे होते जाते हैं, कारण क्या है, ये सारी चीजें जो हैं आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके बालों से रिलेटेड चीज, जो इतने सवाल है उस चीज को समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नॉर्मली हम पहले सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है, मतलब आपके बालों का जो है ये फंक्शनिंग क्या चीज होता है, मतलब किस तरीके से होता है। पहले मैं सरल शब्द में समझा दूं कि आपका एक बाल रहता है जो वो नॉर्मली बड़ा होता है, एक टाइम के बाद वो गिर जाता है, फिर उसी फॉलिक्यूल में से नया बाल उगता है, फिर वो बड़ा होता है, गिर जाता है। ये नॉर्मल सरल शब्दों में मैंने बता दिया एक हेयर ग्रोथ साइकिल होता है। अब इसको अपन डीपली समझते हैं। देखिए, हर बाल जो है तीन फेज से होकर गुजरता है। ठीक है, पहला फेज होता है एनेजन फेज। ठीक है, एनेजन फेज जिसको हम द ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फेज होता है द कैटेजन फेज, जिसको हम डाइंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी सब समझाने वाला हूं। ठीक है, तीसरा फेज होता है द टेलिजन फेज, इस फेज को हम बोलते हैं द रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तीन फेज होते हैं, द एनेजन फेज, द कैटेजन फेज, द रेस्टिंग फेज। ठीक है, द एनाजन फेज, द कैटेजन फेज एंड द टेलेजन फेज। ठीक है, ये तीन फेज होते हैं, इन तीनों फेज से होकर ये बाल फिर गिर जाता है। अब एक एक स्टेज को हम समझते हैं। द एनाजन फेज जो होता है, एनाजन फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसमें क्या होता है, बाल जो है बढ़ता है, क्योंकि इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, इसी फेज में से बाल बढ़ता है, बालों का ग्रोथ होता है। ठीक है, आपके सर में अभी 85% जो हेयर है ना, वो इसी फेज में है। आपके और हमारे सबके सर में जो 85% हेयर होते हैं, हमेशा एनाजन फेज में ही होते हैं। ये आमतौर पर 2 से 6 साल तक रहता है आपके सर पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो है स्टार्ट अर्ली एनाजन में क्या होता है, बाल बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, उसके बाद जब एंड में पहुंचता है तो ग्रोथ रुक जाती है, फिर ये अगले स्टेज को, अगले फेज जो होता है कैटेजन फेज, वो उसमें पहुंच जाता है। कैटेजन फेज यानी डाइंग फेज, इसको डाइंग फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फेज में क्या होता है, आपका जो हेयर फॉलिक्यूल होता है उससे बालों बाल डिटैच हो जाता है, मतलब हेयर फॉलिक्यूल कनेक्ट नहीं रहता है इस फेज में आके आपके बालों से। बाल तो स्कैल्प में लगा रहेगा, होगा आपके बाल स्कैल्प के ऊपर, पर ये जो है आपके फॉलिकुल्स, हेयर फॉलिकुल्स से कनेक्टेड नहीं होता, ये डिटैच हो जाता है, और उल्टा आपका हेयर फॉलिकुल जो होता है वो 1/6, 1/6 गुना अपने ओरिजिनल साइज से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नरिशमेंट या पोषक तत्व जो है इस फेज में आके बालों को नहीं मिलता, इस फेज में आके हेयर ग्रोथ नहीं होती है, बाल आगे बढ़ते ही नहीं है इस फेज में। ठीक है, आमतौर में ये वाला इस फेज में जो बाल रहते हैं वो 2 से 6 हफ्ते तक रहते हैं इस फेज में बाल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये अगले फेज में पहुंचता है बाल, जो होता है टेलेजन फेज। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ना रेस्टिंग फेज, ये आखिरी स्टेज होता है उस बाल का। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें पता है पिछले फेज में, कैटेजन फेज में जो है हेयर फॉलिक्यूल डिटैच हो चुका है बालों से, तो उसको नरिशमेंट नहीं मिला, पोषक तत्व नहीं मिला, तो टेलेजन फेज में क्या होता है, बाल आके रूखे सूखे हो जाते हैं। बाल इस फेज में आके रूखे सूखे होते हैं। आपके सर पे अभी भी 10 से 15% जो बाल है ना वो टेलेजन फेज में ही है। ठीक है, तो इस स्टेज में आके रूखे सूखे से हो जाते हैं क्योंकि नरिशमेंट मिल नहीं रहा है। और ठीक है, और तो इसका नॉर्मल जो टाइम पीरियड करीब 6 महीने के आसपास इस फेज में आपके बाल रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो बाल गिर जाता है, गिर गया फिर उसी फॉलिक्यूल से फिर से एनाजन फेज में पहुंच जाते हैं हम। एनाजन फेज में पहुंच जाते हैं, उस फॉलिक्यूल से नया बाल उगता है, फिर वही होता है अर्ली एनाजन में बाल बढ़ता है, 2 से लेकर 6 साल तक बढ़ता है, उसके बाद फिर हेयर ग्रोथ रुकता है, फिर कैटेजन फेज में पहुंच जाता है। कैटेजन फेज में जो है हेयर फॉलिक्यूल बालों से डिटैच हो जाता है, डिटैच होता है, फिर उसके बाद टेलेजन फेज में पहुंचता है। टेलेजन फेज में पहुंचने के बाद क्या होता है, रूखे सूखे हो जाते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद वो बाल गिर जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें देखिए,
डायनेजन फेज, द कैटेजन फेज, द टेलोजन फेज, इसमें जो कैटेजन और टेलोजन जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मेन है एनाजन फेज, क्योंकि इसी में जो है बाल बढ़ते हैं, इसी में जो है हेयर ग्रोथ होती है। अब ये समझिए, जो मैंने बोला 2 से 6 साल का टाइम इस फेज में आपके बाल रहते हैं, मतलब आपके जो बाल हैं 85% ऑफ हेयर आपके सर के वो इसी फेज में रहते हैं 2 से 6 साल तक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बाल जो हैं 2 से 6 साल तक जो है पोषक तत्व मिलता रहता है, इतने एक हेल्दी इंसान के। आमतौर पर सभी के जो जीवन में जो है कुछ लोगों के जीवन में ये साइकिल नॉर्मल ऐसा ही चलता है, पर कुछ लोगों के क्यों बाल छोटे हो जाते हैं या पतले हो जाते हैं, होता ये है, ये जो 2 से 6 साल का जो पीरियड है एनाजन पीरियड, एनाजन साइकिल, एनाजन फेज का जो ग्रोथ फेज होता है, ये छोटा होता जाता है। आपके बालों को पोषक तत्व नहीं मिलेगा, आपके बालों को नरिशमेंट नहीं मिलेगी, तो क्या होता है, जो 2 से 6 साल का टाइम होता है, हो सकता है कि वो 4 साल में, 4 साल एनाजन पीरियड जो है 4 साल बाद ही वो कैटाजन फेज को ट्रांसफर कर दे, उस फेज में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद टेलाजन फेज में पहुंचा, फिर वो बाल गिर गया। अगला फेज जो है वो, क्योंकि बाल जो है ऑलरेडी आपके वीक हो चुके हैं, फॉलिकल्स जो है वीक हो चुके हैं, तो अगला फेज जो आएगा उसमें बाल और थोड़ी से वीक होंगे, मतलब थोड़े से छोटे, पहले से कम हेल्दी होंगे, ठीक है, पतले होंगे पहले से। तो अब आया, अब अगले फेज में क्या हुआ, थोड़ा सा और ड्यूरेशन कम हो गया, 4 की जगह 3 साल के अंदर ही वो बाल आपके गिरने शुरू हो गए, गिरने नहीं हो गए, मतलब अगले फेज में पहुंच गया, टेलोजन फेज में पहुंच गया, सॉरी कैटाजन फेज में पहुंचा, फिर कैटाजन से फिर टेलोजन फेज में पहुंचा, फिर वहां से फिर गिर गया, आपके बाल झड़ गए, उसके बाद फिर वापस वही फॉलिकल जो है एनाजन फेज में उसको फिर नया बाल निकालता है। तो ये नॉर्मल ये साइकिल चलती रहती, हो क्या रहा है, आपके बाल पतले होते जाते हैं, छोटे होते जा रहे हैं, मतलब ये है कि एनाजन फेज में, जिसका एनाजन फेज का जो टाइम पीरियड छोटा है, उसके कभी लंबे बाल हो ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है ना, मोटे और लंबे बाल हो ही नहीं सकते जिसके एनाजन फेज का टाइम पीरियड छोटा हो गया है, और जिसका एनाजन फेज का टाइम पीरियड बड़ा है 2 से 6 साल, उसका हमेशा देखना बाल अच्छे लंबे मोटे घने होंगे, ठीक है। तो हम नॉर्मल देख के बता सकते हैं, जिसके बाल बड़े हो नहीं रहे हैं, कोशिश कर करके भी बड़े नहीं हो, अगर आप गर्ल्स, आपकी चोटी बढ़ नहीं रही है, तो ये समझ लीजिए आपका जो एनाजन फेज का जो टाइम पीरियड है वो छोटा होता जा रहा है। इस पे आपको वर्क करना है, वर्क कैसे करना है, बालायाम और योग और सही डाइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिसका एनाजन पीरियड का टाइम पीरियड छोटा हो गया है, उसके कभी लंबे बाल हो ही नहीं सकते। जिसका एनाजन पीरियड का टाइम पीरियड छोटा होता जा रहा है, उसके बाल जल्दी से जल्दी झड़ना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है, हमको इस टाइम तक पता नहीं चलता, हमको लगता है पतले हो रहे हैं, अरे ये हो रहा है, मेरे को तो जब स्कैल्प देखने लगा तब जा क्या कर रहा है कि भाई बाल झड़ना शुरू हो गया है, ठीक है। होता क्या है, हमको बहुत लेट समझ में आता है ये चीज, पर ये प्रोसीजर चलता जाता है, हम अपने बाल वीक होता ही जाता है, हमको पता तक नहीं चलता है। अब इस जब आपको पता चलेगा कि बाल झड़ना शुरू हुआ, तो आप जाके क्या लगाओगे, मिनटॉप या मिनोक्सिडिल कुछ लगाओगे ऊपर से, इसमें क्या होता है वो हेयर फॉलिकल्स में जाके थोड़ा सा जो उसका रिजर्व ताकत बचा हुआ है उसको स्टिमुलेट करता, उसको एक्साइट करता है, तो उस पर्टिकुलर साइकिल में वो बाल थोड़ा रुक जाता है, रुक गया, झड़ना रुका तो आपको लगता है कि झड़ना रुक गया है। फिर जब वो साइकिल पूरा करता है अगले स्टेज में, उसकी फॉलिकुल की ताकत और कम हो जाती है, फिर वो मिनटॉप जो है उसमें मिनोक्सिडिल उसमें भी काम नहीं करता है, फिर आप ज़्यादा पावर का लगाओगे, फिर ये साइकिल यही चलता रहेगा। एक इंसान के लाइफ में ये साइकिल्स कई बार आता है, ठीक है, तो चलता ही रहता है ये चीज़। तो इस तरीके से जो है हेयर ग्रोथ साइकिल चलता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको समझ में आए तो, कि अगर हमको अगर बाल बचाना है तो एनाजन फेज को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि बाल जो है रुके रहे एनाजन फेज में, रुके रहे मतलब सिंपल सी बात है, बाल झड़े ना, कम से कम झड़े, कम से कम झड़ेंगे मतलब रुके रहेंगे बालों में, स्कैल्प में रुके रहेंगे, तो उसको पोषक तत्व मिलेगा, तो वो बाल नरिश होगा। अब पोषक तत्व पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है वो आगे बात करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, बाल झड़े ना तो एनाजन फेज लंबा होगा। अब देखिए बालायाम क्या करता है, बालायाम आपका वही करता है, बालायाम जब आप करना शुरू कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, जो मैंने बताया नर्व एंडिंग कनेक्ट्स होती है, हेयर फॉलिकल्स तक आपका ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है, जो स्टेम सेल का पूरा फंडा है स्टेम सेल का, ठीक है, उससे आपका जो है क्या है पोषक तत्व मिलता है और हेयर फॉलिकल्स जो है वो हेल्दी होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आपने व्यायाम करना शुरू किया, आपके एक्टिवेट होने लगे वो हेयर फॉलिकल्स,
एक्टिवेट होने लगे। अब होता क्या है, बाल झड़ना स्टार्टिंग में रुकता, हल्का सा रुकेगा, ठीक है। तो वो जो साइकिल है आपका, कौन सा साइकिल है, एनाजन से फिर कैटाजन में जाना, फिर टेलाजन में जाना, फिर वापस बाल झड़ जाना, फिर वापस कैटाजन में आना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बाल आपका रुका, फिर वो बाल पहुंच जाता है किसमें, कैटाजन में। फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपके एनाजन का ऑलरेडी पीरियड छोटा हो जाएगा, अभी तो बाल झड़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी पहुंच रहा है, एनाजन से कैटाजन में पहुंचा, फिर टेलाजन में पहुंचा, ठीक है, फिर बाल झड़ गए। ये होता है शेडिंग फेज, मतलब एकदम से बाल झड़ जाते हैं इस टेलीजन में आके, झड़ जाते हैं। अब आपको लगे हे भगवान, एकदम से बाल झड़ने लग गए पूरे। एक्चुअल में जो बाल आपके रुक गए हैं स्टार्टिंग में, वो ऑलरेडी झड़ चुके होते, ठीक है, पर उन बालों को वालायम के द्वारा रुक गया वो बाल, ठीक है, फिर वो इकट्ठे गिर जाते हैं। तो आपको लगता है इतने जल्दी मेरे बाल झड़ने कैसे लग गए, ठीक है। तो ये शेडिंग फेज हुआ, फिर वापस वो एनाजन में आता है, समझ रहे आप। अब एनाजन में आया वापस वो, एनाजन में आते ही साथ क्या होता है, अगला बाल थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा हेल्दी होगा, फिर वही होता है। अब इसमें जो है एनाजन का पीरियड थोड़ा सा, आप फर्क पहचान नहीं पाओगे, पर थोड़ा सा जो है बढ़ता है एनाजन का पीरियड, ठीक है। फिर वही, फिर उसको थोड़ी दिन रुकेगा, फिर वो कैटाजन में ट्रांसफर करेगा, फिर टेलाजन में ट्रांसफर करके फिर बाल गिरा देगा, फिर नए बाल आएंगे, ये साइकिल फिर चलता जाएगा। मतलब ये आपका रिकवरी साइकिल चलेगा, मतलब जब आपके बाल झड़ना शुरू होता क्या हो रहा था, हर साइकिल के साथ आपके बाल वीक होते जा रहे थे। जो हर साइकिल के साथ जो वीक होते जाते हैं ना बाल, इसको बोलते हैं मिनीचराइजेशन, एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है। हर साइकिल के साथ आपका बाल जो है वीक होता जा रहा था। अब बालायम से क्या हो रहा है, बालायम, शीर्षासन, योगासन या प्रॉपर डाइट जो आप ले रहे हो, इससे क्या होता है कि हर साइकिल के साथ आपका जो हेयर जो है मजबूत होता जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको हेयर ग्रोथ साइकिल पूरी तरीके से समझा दिया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हो सकता है मैंने बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीज़ बोल दी हो, कई चीज़ें स्लिप अप टंग भी हो गई होगी। आपको कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। और कोई सवाल वगैरह हो तो पूछिए आप, सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, जितना हो सके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक और बात कि ये चैनल सिर्फ हेयर ग्रोथ के ऊपर नहीं है, ये बेसिकली हेल्पिंग चैनल है, इसके ऊपर और भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये हेयर ग्रोथ पे नहीं है, हेयर ग्रोथ का तो मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसी से शुरुआत किया जाए, ठीक है। तो मैंने इस पर ये वीडियोस बनाए कुछ, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हेल्पिंग वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, और जो बेल है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको अगला वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। और बस आपके सजेशन वगैरह कुछ हो तो आपकी राय क्या है कुछ इस वीडियो के बारे में, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।